talks, he talks in a very simple way. But I respect his words. His words are always very happy, heavy and deep. Please welcome our great leader, our great mentor, Mr. Tim McDonald. जिस चीज से हम पिछले 3 महीने से सर जो सफर कर रहे थे, एक एक प्रॉब्लम हमें बता लगी, एक एक गलतियां हमें पता लगी कि कहां पे हमने गलतियां की। बस सर एक मैं अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहूंगा सर, मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सबसे, आप में से किसको लगता है कि वो बेस्ट प्रेजेंटर है? कोई हाथ उठाए जिसको लगता है कि वो बेस्ट प्रेजेंटर है। एक किसको लगता है कि वो सबसे बेस्ट फॉलोअप लेता है? सर 2-3, मतलब पता है आप सारे के सारे बेस्ट प्रेजेंटर हो, सारे के सारे बेस्ट प्रमोटर हो, जब तक ये फीलिंग अंदर नहीं होगी ना आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होगा। काम कर रहा तो उन्होंने एक दिन पहले ज्वाइन किया, उन्होंने बोला कि सर पीपीटी मैं दूंगा। मैं बोला ठीक है, तो उन्होंने बताना स्टार्ट किया, पीपीटी बताई, अपना बिजनेस प्लान स्टार्ट किया। सर उन्होंने बोला पहले 3 स्पॉन्सर करते हो आप तो आपको 2700 रुपए का चेक मिलता है, फिर अगला बताया फिर 2700 का चेक मिलता है, ऐसे करके पहले क्लब के अंदर 32500 उन्होंने बताया, फिर 25000 ऑनवर्ड पर क्लब बताया सर। और उसके बाद आप यकीन मानोगे उस इंसान की ऑन द स्पॉट पेमेंट आई, जबकि पीपीटी गलत थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस मैटर करता था, क्योंकि वो अपने कॉन्फिडेंस के अंदर पीपीटी दे रहा था कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट प्रेजेंटर। हमारे गेस्ट को नहीं पता कि पीपीटी क्या है, वो हमें पता है कि क्या। तो हमेशा जब भी फील्ड में काम करो, क्योंकि सर बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम्स आते हैं कि बच्चे जाके पीपीटी नहीं देते। उसके बाद दूसरी चीज सर, मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ सर। मैंने जयपुर से एक लॉगिन निकाला था और मतलब मेरा फेसबुक के थ्रू आता, जैसे सर ने मेरे को ज्वाइन करा तो मतलब फेसबुक से मैंने उनको लॉगिन निकाला और मतलब सर मैं उनको बता नहीं पा रहा था कि काम कैसे करना, ज्वाइनिंग तो डाल ली सर लेकिन सर्विस कैसे देनी। तो मैंने उनको एक चीज बोली कि काम करो आप इंदौर आ जाओ, तो उनका रिप्लाई था कि मैं इंदौर सर मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं इंदौर कैसे आऊं। मतलब मुझे नहीं पता क्या विश्वास था, जो विश्वास मैंने किया था मैंने उनको वो ट्रांसफर कर दिया कि लाइट के प्रोडक्ट में इतना दम है, आप इंडिया के किसी कोने में जाके आप पीपीटी करोगे ना तो ये नहीं निकाल लोगे। तालियां होनी चाहिए। सर आप 175 लोग हैं, उनमें से वो सिर्फ एकमात्र अचीवर है सर, 20,000 इनकम करके ओनली वन अचीवर सर। वो इंदौर आए थे, सबसे बड़ी बात ये नहीं कि वो अचीवर है, सबसे बड़ी बात है मतलब मैं आपको ये फील कराना चाहता हूँ कि जहाँ पर हम है ना वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ है। और मतलब लाइट को हम पूजना स्टार्ट करें सर, कई जगह ना लिखा होता है कि करनी पूजा वर्क इज वर्शिप, मतलब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो मतलब ये वर्ड मेरे को भी समझ में आया, अगर हम दिल से काम करेंगे ना बहुत ज्यादा होगा। और सर दूसरी चीज सर, ट्विटर जो मुझे अपनी टीम में मतलब फील हुआ कि लोग क्यों ट्वीट कर रहे हैं, तो सर कोई बताएगा दुनिया में सबसे बेस्ट ट्रेनर कौन है? कोई भी एक सर। सर सबसे बेस्ट ट्रेनर हमारी मदर होती है। मदर हमें बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं सर, हर चीज पढ़ना सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, वो कभी फेल नहीं होते। उनके बच्चे बोलना भी सीखते पढ़ना भी सीखते, तो सर कहीं ना हम लोगों में कमी है कि हमने ट्रेनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी टीम हमें क्विट करके चली जाती है, वरना कोई रीजन नहीं होता जो मेरी टीम में मैंने फील किया सर। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग तो होते हैं जो इधर उधर होते हैं सर, जो सिर्फ मतलब मोटिवेशन में आके ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो रीजन मुझे लगे वो ये है, तो अपने आप को हमें डेवलप करना, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ के, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख के, उसको अप्लाई करके सर, उसको इम्प्लीमेंट करके। और सर लास्ट थिंग सर, मेरा कमिटमेंट सर, अभी मतलब मैं बैंगलोर में भी अपनी टीम स्टार्ट कर रहा हूँ सर, वहाँ पे मेरी टीम स्टार्ट होगी, कल मैं बैंगलोर लूंगा सर, तो चेन्नई का मेरा कन्वेंशन रहेगा सर, बैंगलोर से ही बस भर के लाऊंगा सर, और आगे मेरी लश्कर रहेगी सर। बिलासपुर तो मेडिकल की बात है सर, तो मैं दिल्ली से बिलासपुर सर 3 बस लेके आऊंगा सर, बस रीजन ये है सर, हम लोग मतलब वहाँ पे सर रास्ते में भी ट्रेनिंग होगी और बहुत ज्यादा मजा आएगा सर, क्योंकि इंडिया बहुत सुंदर है सर, ऐसा मौसम लगता है सर कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी और कहीं बादलों में से गाड़ी निकल रही है,
तो मैं ये चाहूंगा सर जल्दी से जल्दी अपनी गाड़ियां ले, और मतलब सर एक चीज और है थाईलैंड ट्रिप एंड मोबाइल फोन अचीवर्स, मतलब पता है स्पॉन्सर का फायदा क्या होता है सर, मतलब सर को पता है मैंने दिल्ली से स्पॉन्सरिंग की थी अपनी फैमिली पोजीशन की सेकंड लग स्टार्ट की, और मेरी फैमिली पोजीशन की तो इस मंथ की इनकम है 28,000। मतलब बहुत अच्छी एज के अंदर हम लोग और बहुत सही आंकड़ों में है सर। मैं एक चीज मतलब एक लास्ट चीज और बताता हूँ कि मतलब मैं ज्वाइन हुआ था चेन्नई से, उसके बाद सर्वे जी ज्वाइन हुए, उसके बाद संतोष जी ज्वाइन हुए, मतलब ये मेरी इमीडिएट डाउनलाइन है, उसके बाद सुमन कन्नायक जी हुए, फिर दीपक कुमार जी हुए, फिर आलोक जी हुए, उसके बाद फिर सर विकास कामड़े जी, मिथिलेश जी, फिर प्रकाश जी, लोकेश जी, तो मेरे स्टार्टिंग के लोग इन है। तो मैं हमेशा एक बात सोचता हूँ कि हम लोग कभी क्विट क्यों नहीं किया सर, मैंने कभी क्यों नहीं लाइफ को छोड़ा। तो मतलब मैं एक बार कहता हूँ जबरदस्त तालियां हमारे गुरुओं के लिए, माधुओं के लिए, मनीषा के लिए। विश्वजी वेयर आर यू सर आज।